हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स आपने क्लास 8th के अंदर भी रीड किया था रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपको क्लास 8th की रिसोर्सेज की वीडियो आप सुनना चाहें तो वो भी मैंने पहले इसमें वीडियो को डाल रखा है, जिसमें रिसोर्सेज के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं या लिस्ट बना सकते हैं जो जिन वस्तुओं के द्वारा आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके, आरामदायक बना सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनकी आप लिस्ट बनाना है और उसको ध्यान से देखना है कि उस लिस्ट में किन किन पदार्थों के नाम आए हैं। तो वो क्या हमारे जिन पदार्थों का हम अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए या कम्फर्टेबल बनाने के लिए जिन वस्तुओं को यूज़ कर रहे हैं, दीज थिंग आर रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो एनवायरनमेंट में वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं को प्रयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो वो वस्तुएं क्या हैं बेटा? रिसोर्सेज हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजेबल्स एंड द कल्चरली एक्सेप्टेबल्स कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। यानी कि वे वस्तुएं जो इकोनॉमिकली रूप से क्या है, संभावित हैं, संभावना है, और सांस्कृतिक रूप से जिसको एक्सेप्ट किया गया है, मान्यता दी गई है, या टेक्नोलॉजी रूप से जिनको प्रौद्योगिकी के रूप में उपलब्ध कराया गया, प्रौद्योगिकी ने हमें उपलब्ध करवाया है, ये सब थिंग्स क्या हैं हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। यानी कि जिस जो संस्कृति के द्वारा मान्यता दी गई है या आर्थिक रूप से जो हमारी संभावना है आर्थिक प्रोग्रेस करने की जिन रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद, और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए हैं, तो ये सब थिंग्स किस क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो इस रिसोर्सेज में हम जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये ह्यूमन बींग्स हैं जिसने आपस में नेचर को, इंस्टीट्यूशन को और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया है। तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इस सभी थिंग्स को आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। जो मेन रिसोर्सेज हैं नेचुरल्स एंड ह्यूमंस, टू टाइप्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स। तो रिन्यूएबल में कंटिन्यूस और फ्लो, यानी कि जिनको हम लगातार यूज कर रहे हैं, वो डेली हमारे यूज में, हम डेली के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल्स, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, किसके टाइप्स हैं? नेचुरल्स के। नॉन रिन्यूएबल के ये थे रिन्यूएबल्स के। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलिंग मेटल्स या नॉन रिसाइकलिंग मेटल्स, जिसमें फॉसिल्स फूल्स के रूप में। ह्यूमंस क्या है, स्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि ह्यूमन के द्वारा कितनी क्वांटिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं या स्ट्रक्चर किया जा रहा है, या जो इंस्टीट्यूशन वो बनाई जा रही है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। दीज आर द टाइप ऑफ द रिसोर्सेज को ध्यान से समझेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल्स इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। इस प्रकार जो प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्म करने की, रूपांतरण करने की या स्थानांतरण करने की, थिंग्स वस्तुओं को जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध हैं उन वस्तुओं को रूपांतरण करने में किसका आपस में रिलेशनशिप है, तो वो कौन कौन से एक दूसरे पर डिपेंड है, वो नेचर है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में इंटरडिपेंड हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, जो ह्यूमन बींग्स है या खुद मानव है वो भी प्रकृति के साथ क्या है, इंटरेक्ट करता है, प्रक्रिया करता है, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी और क्रिएट इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, एक्सेलरेट्स देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, अपने आर्थिक विकास के लिए वो संस्थाओं का निर्माण, अपने विकास को तेज गति से करने के लिए संस्थाएं बनाए जा रही हैं, किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी। मैं बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचुरली गिफ्ट हैं, किसके द्वारा दिए गए,
नेचर के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें इन नेचुरल थिंग का प्रयोग करना नहीं आता था तो ये नेचुरल थिंग ऐसे कैसे थी। अब मानव के नॉलेज के द्वारा या स्किल के द्वारा हम इनका यूज करना सीख रहे हैं, तो ये मनुष्य की नॉलेज के कारण ही हम रिसोर्सेज को यूजेबल बना पाए हैं, इसलिए हमें ये फ्री गिफ्ट नहीं मिले हैं, बल्कि हम मनुष्य के द्वारा इसको यूजेबल बनाया गया है। दे आर द नोट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो संसाधन हैं ये मानव क्रियाओं का रिजल्ट है, ये एक्टिविटी का रिजल्ट है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व आर एसेंशियल्स कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो मनुष्य है वो खुद क्या है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, हिस्सा है संसाधनों का। दे आर ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट्स इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, वो जो पर्यावरण के अंदर हमारे संसाधन पाए जाते हैं उसको ट्रांसफ़र करके, उन पदार्थों को ट्रांसफ़र करके ऐसे रिसोर्सेज बनाता है जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल हैं, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, इन संसाधनों को हम अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, कई वर्गों में हम इसको बांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने क्लासिफिकेशन किए गए हैं, 4 टाइप की। तो ये याद रखना बेटा, बेसिस ऑफ द ओरिजन, यानी कि ये वो उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के हैं रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। जैविक जिसमें लाइफ है, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे मेटल है, जैसे रॉक्स हैं, और ओरिजिन में जैसे खुद ह्यूमन है, जैसे पेड़ पौधे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सुएटिबिलिटी, यानी कि समाप्ति, जिन वस्तुओं की खत्म होने की संभावना है वो है रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। तो इसके डिटेल से आगे हम रीड करेंगे, रिन्यूएबल में कौन सी थिंग्स हैं और नॉन रिन्यूएबल में कौन सी। अब यहाँ तुमने याद रखना है, बेसिस ऑफ ओरिजन 2 टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक्स, बेसिस ऑफ द एक्सुएबिलिटीज, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, यानी कि कौन उसका मालिक होगा, स्वामित्व के आधार पर, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये ओनरशिप के आधार पर कितने टाइप बताए गए, 4 टाइप्स, यानी कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो सकती है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो सकती है, नेशनल की प्रॉपर्टी हो सकती है, और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। दीज आर द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर हम रिसोर्सेज को 4 टाइप में बांट रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल्स, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये आगे हम इसके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर्स एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो हम बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या देखते हैं, मनुष्य है, ह्यूमन्स है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मछली हैं, और जो हमारा पशुधन है जिसमें जानवर आते हैं, ये सब शामिल किसमें है, बायोटिक रिसोर्सेज में। एबायोटिक रिसोर्सेज में ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीवन नहीं है, अजीविक है, आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल, जैसे सोना धातु है, इनमें जीवन नहीं होता है, जो चट्टाने हैं, पत्थर है, उनमें जीवन नहीं होता है। दी जाता एबायोटिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सुएटिबिलिटी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, केमिकल एंड प्रोसेस आर नोन एज द रिन्यूएबल्स और रिप्लेनिशेबल्स। तो वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जिसको हम फिजिकली तौर से या केमिकल के आधार पर या मशीनों के द्वारा जिसमें बदलाव ला सकते हैं, जिसके भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, दोबारा उसको हम यूजेबल बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल्स, नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति, जिसको हम दोबारा प्रयोग कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर सिस्टम, जो सोलर का वेव्स हैं, सन की वेव्स हैं, उनको हम यूज़ करते रहते हैं, विंड्स, हवाएं हैं, एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइड, आगे इसको हमने डिवाइड किया है इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, जिनका हम लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसको हम सतत या प्रवाह रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन इसका मतलब है एक बार जिसका हम यूज कर लिया तो दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता। दीज अकर आवर ए वेरी लॉन्ग लियोजिकल टाइम, जिनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, यानी कि लाखों साल लग जाते हैं
मिनरल्स एंड द फ्यूजल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, जो खनिज हैं या जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, तो ये प्रयोग एक बार करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो ये क्या हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में, निर्माण होने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकल्स एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बाय रिसाइकल। कुछ जैसे मेटल हैं, जैसे हम गोल्ड का है, एक बार हमने कुछ उसका गोल्ड का गहने बनवाए हैं तो दोबारा हम उसको बनवा सकते हैं। लोहे की कोई चीज़ है, पिघला कर दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, उसका एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इसमें एग्जाम्पल ये टू टाइप्स के हैं। रिसाइकल एंड गेट हैक्चुएटेड विद देयर यूज, अपने एक बार प्रयोग होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति की अपनी निजी प्रॉपर्टी, यानी संसाधन, अपने खुद के संसाधन। मैनी फार्मर ओन लैंड, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कई किसानों की अपनी जमीन होती है, जैसे गाँव में आपने सुना होगा कि एक किसान के पास इतने स्केयर जमीन है, इज अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा उनको दी गई है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि उस जमीन से सरकार को क्या मिलता है, लगान मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। इन विलेजेस, गांव के अंदर देर आर पीपल विद हेड ओनरशिप बट दे आर मैनी हु आर लैंडलेस, गाँव में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, लैंड है, जमीन के मालिक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, ज़मीनें नहीं है। ऐसे ही हम अर्बन एरिया में देखते हैं, अर्बन पीपल्स क्या है इसमें, अर्बन पीपल ओन फ्लोट्स, हाउसेज, अदर प्रॉपर्टी। शहरी लोग क्या करते हैं, अपने प्लॉट खरीदते हैं, अपने घर खरीदते हैं और अदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनका खुद का क्या है उस पर ओनरशिप है। प्लांटेशंस, पेस्चरलैंड्स एंड पॉन्ड्स, ये देखते हैं कि कई बार जो बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं वो खुद व्यक्ति अपने लिए लगाता है। पेस्चरलैंड्स जो चरागाह होते हैं, कि कई बार व्यक्ति के अपने खुद के होते हैं। पॉन्ड अपना बना सकते हैं, वाटर इन वेल्स जो अपने कुएं खुदवा सकता है, तो किसी की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सिस ओनरशिप बाई इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत तौर पर जो मालिकाना हक है वो संसाधन यहाँ बताए गए हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द रिसोर्सिस ओन बाई योर हाउस होल्ड, अपने घर की क्या कितनी प्रॉपर्टी है इसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। सेकेंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जो समुदाय का जिस पर अधिकार होता है। देर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि वो रिसोर्सेज जिसका प्रयोग कम्युनिटी के सभी आदमी कर सकते हैं या समुदाय के सभी लोगों के लिए वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, जैसे गाँव के कुछ कॉमन स्थान, पशुओं को चराने के स्थान। ब्यूरियल ग्राउंड, जैसे शमशान घाट जिसको बोल सकते हैं, और विलेज पॉन्ड्स यानी कि जो तालाब से गांव के। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरिया, शहरों में पार्क्स हैं जहां सभी लोग आप घूम सकते हैं, पिकनिक करने के लिए सब जा सकते हैं, ये अर्बन एरिया के एग्जांपल हैं। आर डी फैक्टो एक्सेबल्स टू ऑल द पीपल लिविंग एयर, यानी कि जो आसपास के लोग वहाँ रह रहे हैं उन सब का अधिकार इन स्थानों पर है। नेशनल रिसोर्सेज क्या है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, जिसका संबंध किससे है, एक देश से है। जिन संसाधनों का संबंध एक देश का है, यानी कि एक देश की प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज, कई बार क्या है गवर्नमेंट को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर करने की पावर होती है सरकार के पास, यानी कि जनता की सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सरकार को देनी पड़ सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कई बार हम देखते हैं कि जैसे रोड बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑन द फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल, यानी कि कई बार कुछ फार्मरों से उनकी खुद की जमीन भी सरकार के द्वारा खरीदी जाती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जो शहरी विकास की अथॉरिटीज है, गेट एम्पावरमेंट बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स, वो भी कई बार एक्वायर की जाती है, यानी कि शहरों में भी जमीन एक्वायर की जाती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, जितने भी खनिज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लैंड है, जमीन है, विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारी राजनीतिक बाउंड्री सीमाओं के अंदर हैं। ओशियन एरिया यानी कि जो हमारे महासागरीय एरिया है, वो 12 नेटिकल्स मील से, यानी 12 समुद्री मील तक
12 मील तक जो समुद्री एरिया है वहां पर तक हमारे देश का अधिकार होता है, जिसमें हम 22.2 किलोमीटर तक का एरिया मान सकते हैं। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्स एज ए टेरिटोरियल्स वाटर एंड रिसोर्सेज देर एन बिलोंग टू द नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्र हमारे देश के आसपास का जो 22.2 किलोमीटर का एरिया है, जैसे हमारे कोस्टल एरिया से समुद्री बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर तक के एरिया का कंट्रोल हमारे देश की गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या है बेटा, देर आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलर सम्स रिसोर्सेज, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनाई जाती हैं जो इंटरनेशनल के आधार पर रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल रखती हैं, जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल मील्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि देशों के 200 मील के बाहर का जो एरिया है वो क्या आता है इंटरनेशनल, यानी कि जिस कंट्री के आसपास, यानी कि हम अपने एशिया कंटिनेंट के बाहर का 200 मील का जो एरिया है उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, उस पर हमारी गवर्नमेंट का अधिकार हो जाएगा, यानी कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका अधिकार हो जाएगा। ई जोन यहाँ आप समझ सकते हैं, ईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन, जैसे खुले महासागरीय एरिया है। नो इंडिविजुअल्स कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंसर्न्स ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सलाह या सहमति के बिना इनका कोई भी गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है। जो 200 नेचुरल मील से बाहर का एरिया है तो इस एरिया का इस्तेमाल बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के नहीं किया जा सकता है। दीज आर द क्या थी कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट्स। अब हम यह देखते हैं कि विकास के आधार पर हमने रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरी में रखा गया है। तो फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर द फाउंड इन ए रीजन, किसी एरिया में पाए जाने वाले रिसोर्सेज संसाधन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन वो हमारे उपयोग में नहीं है। रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हमारे लिए यूजेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारा पश्चिमी भाग है भारत का, पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, जो हमारे गुजरात और राजस्थान स्टेट के अंदर है, इनोमोर्स पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी, यानी कि वहाँ पर जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उनका यूज इन फ्यूचर में हो सकता है। सोलर एनर्जी जिसका आने वाले, जैसे अब भी हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आने वाले नेक्स्ट सालों में हम उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जिसकी हमें संभावना है कि आने वाले टाइम में जिसका हम ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलपमेंट प्रॉपरली, लेकिन अब तक उनका प्रॉपर ढंग से विकास नहीं हो पाया है, यानी कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऐसा ह्यूमन स्किल नहीं है कि उन रिसोर्सेज का हम यूज एट प्रेजेंट कर सकें। हो सकता है इन फ्यूचर में हम इसका प्रयोग कर सकें। तो ये होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड है डेवलपमेंट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटीज एंड क्वांटिटी दे हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिबिलिटीज। इस प्रकार जो डेवलप रिसोर्सेज हैं, विकसित संसाधन जिनकी क्वांटिटी का और क्वालिटी दोनों का ही हमें, जिन रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें पता है, सर्वे किया जा चुका है और उनकी जो उपयोग है वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और जो डेवलप और रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे टेक्नोलॉजी पर, और जो संभावना है उसके स्तर पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में हमारे पास है और कितना उसका हम उपयोग कर सकते हैं। स्टॉक भंडार, उसको हम कितना भंडार कर सकते हैं। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग डू नॉट, ये इसमें क्या बताया गया है कि जो मटेरियल है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो पदार्थ हैं वो हमारी ह्यूमन्स नीड्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, संभावना है, लेकिन आवश्यकताओं को पूरे करने की पर्यावरण में जो मटेरियल है वो हमारे की संभावना है कि हम हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास कोई उचित प्रौद्योगिकी नहीं है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं टू एक्सेस दीज, इसके लिए उन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे पास स्टॉक है, भंडारण है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। इंक्लूड अमंग स्टॉक्स
स्टोक के अंदर इंक्लूड कौन कौन है, एग्जाम्पल वाटर इज द कंपाउंड्स ऑफ टू गैसेस, सबको पता है कि जो पानी है टू गैसेस से बना है, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रोजन का प्रयोग एक रिच सोर्स के रूप में, एनर्जी ऊर्जा के रूप में हम कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल, हमारे पास कोई एडवांस टेक्निकल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम इसका प्रयोग करें फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए कैसे हम हाइड्रोजन का उपयोग करें, ऐसी तकनीक हमारे पास नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग हमने नहीं करना सीखा है, हैंस इट कैन बी कंसिडर एज ए स्टोक, इस प्रकार हमारे पास स्टोक में रखा है लेकिन उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रिजर्व जो सुरक्षित रखा गया है, आर द सबसेट ऑफ द स्टोक, ये स्टोक का ही पार्ट है, यानी कि हम स्टोक की तरह इसको भंडारण की तरह ही रखते हैं, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ द एग्जिटिंग टेक्नोलॉजी नाउ हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, हमें पता है कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं लेकिन अभी हमने इसका स्टार्ट नहीं किया है, यह उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी हमने इसका प्रयोग स्टार्ट नहीं किया है, जैसे दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, यानी आने वाली भविष्य की ज़रूरतों के लिए हम इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली, यानी कि प्रेजेंट में हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कम मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम हाइड्रोकली पावर का यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली का प्रयोग हम ज़्यादा करें, क्योंकि अब तक हम ज़्यादातर, यानी कि पिछले कुछ सालों में हम कोयला से बनने वाली एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कोयला है वो हमारे लिमिट होता जा रहा है, तो ख़त्म होने की कगार पर है, तो इस प्रकार हम अब कोयला की बजाय हम पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। थस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट, इस प्रकार जो पानी के लिए डैम बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, फॉरेस्ट एंड रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जंगल हैं या जो डैम बनाकर पानी का यूज हम ज़्यादा मात्रा में इन फ्यूचर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सिस, आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके।